कृष्ण जी माखन खा लो। माखन ले लिया आपने एक ही बारी में? सारा माखन खा जाओगे? किशन जी अपने दोस्तों के लिए भी रख लो, सारा खा चोगे। कृष्ण जी, कृष्ण जी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे घर में आए हैं नन्हे मुन्ने कान्हा जी, तो चलिए आपको भी उनके दर्शन कराते हैं। ये उनकी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, उनकी ड्रेस है, ये मुकुट, मोरपंख, बाजूबंद, बांसुरी और माला। चलिए अब उसे तैयार कर लेते हैं। छोटे बच्चों को रेडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने अपनी मदर की हेल्प से इसे रेडी कर लिया। अब इसे धोती पहना रही हूँ और ये जो ड्रेस है वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको भी परचेज़ करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये सारे साइज़ में अवेलेबल है और बस अब इसे रेडी कर रहे हैं। मेरा बेबी वैसे भी बहुत छोटा है और ऐसे इतने छोटे बच्चों को इतना हैवी ड्रेस जब पहनाते हैं तो वैसे ही वो पैनिक करते हैं। और देखिए बीच बीच में ये एक्साइटेड भी हो रहा है, बट हमने किसी तरह इसे रेडी कर दिया है। अब इसे बाजूबंद पहना रहे हैं। तो इसे देख के मुझे ये गाना याद आ रहा है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोले सारे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं किशन जी की कुछ नटखट शरारतों के साथ। वैसे भी जानी है आपको? हाँ जी, कैसे भी जानी है? मैं ले लू आपको नहीं मानू। ये क्या कर लिया आपने टीके का? माखन की पड़ी है ना इसको। लड्डू भगवान आ गए अंदर में। हमने इसे टीका भी लगाने की कोशिश की थी, बट इसने अपनी हरकतों से टीके की क्या हालत कर दी वो आपके सामने ही है। और हमने अपने बेबी को कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।